गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डिम्पी, ऑनलाइन क्लासेस फॉर केवी अकेडमी, क्लास UKG, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 50, टुडेज टॉपिक एनिमल्स। सो आज हम एनिमल्स के बारे में आपको बताएंगे। चैप्टर 14 का नाम है एनिमल्स, सॉरी 15, चैप्टर 15। So start. We see many animals around us. Some animals live in or near our homes. They are called domestic animals. They give us useful things. Some animals like that buffalo, goat and cow give us milk. We make curd, butter, cheese and ice cream from milk. So, आइए हम एक बार इसे एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। We see many animals around us. हम अपने आसपास कई जानवरों को देखते हैं। आप घर पे रहते हैं या फिर कहीं जाते हैं या फिर अपने आसपास कई प्रकार के जानवर को देखते हैं। We see many animals around us. Some animals live in or near our home. कुछ जानवर हमारे घरों में या उसके आसपास रहते हैं। देखते होंगे कुछ जानवर, अगर आप पालते होंगे तो कुछ जानवर आपके घर पे रहते होंगे या कुछ अगल बगल या आसपास देखते होंगे। They are called domestic animals. उन्हें घरेलू जानवर कहा जाता है। कौन सा animals? Domestic animals बोला जाता है। They give us useful things. वे हमें उपयोगी चीज़ें देते हैं जिन्हें हम पालते हैं, या फिर जो domestic animals होते हैं वो हमें useful चीज़ें देते हैं, यानी कि उपयोगी चीज़ें देते हैं। वे हमारे लिए लाभदायक होते हैं। Some animals like buffalo, goat and cow give us milk. कुछ जानवर जैसे buffalo, goat and cow give us milk. हमें दूध देते हैं। We make curd, butter, cheese and ice cream from milk. हम दूध से दही, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम बनाते हैं। We make कर्ड, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? बटर, कर्ड, चीज़, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें मिल्क से बनती हैं। सो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखकर बुक रीड करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट के साथ हम आपसे मिलते हैं। ये चैप्टर 15 का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम आपको कल बताएंगे। सो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देख कर बुक रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।